ये पॉज करो, खुद सॉल्व करने की कोशिश करो, देखो समझ में आना चाहिए यार कैसे हो रही हैं चीजें। अगर वो तुम्हें समझ में आ रहा है तो बहुत ही बेहतर बात है यार, बहुत ही अच्छी बात है। ठीक है चलो, कहता है वाटर राइज टू हाइट एच इन कैपिलरी ट्यूब, इफ द लेंथ ऑफ कैपिलरी ट्यूब एवर द सरफेस इज मेड एच लेस देन, तो क्या होगा। अब देखो अगर कैपिलरी ट्यूब है, कैपिलरी ट्यूब है ठीक है, ये एक ट्यूब है ठीक है, जिसमें एच हाई तक वाटर राइज हो गई है और ये इस टाइप के कंटेनर में रखा हुआ है ठीक है। मान लो तो ये जो रेडियस ऑफ द लिक्विड मेनिस्कस है, लिक्विड का जो सरफेस है उसकी कर्वेचर है, उसकी रेडियस आर है। तो जो हाइट एच है, दैट इज हाइट एच, उसका एक फार्मूला होता है यार, हाइट एच इज इक्वल टू टू टी रो जी कैपिटल आर होता है ठीक है, ये वाला फार्मूला होता है। अगर ये फार्मूला टू टी रो जी कैपिटल आर होता है तो इसका मतलब ये हुआ कि एच कैपिटल आर इज इक्वल टू टू टी अपान रो जी आ गया, और एक लिक्विड के लिए क्या है, कॉन्स्टेंट है, एक लिक्विड के लिए कॉन्स्टेंट है क्योंकि टेम्परेचर कॉन्स्टेंट है, डेंसिटी कॉन्स्टेंट है, जी कॉन्स्टेंट है। अगर ये चीज कांस्टेंट है, इसका मतलब ये हुआ कि हाइट कम या ज्यादा करोगे तो रेडियस ऑफ कर्वेचर जो जिस लिक्विड का, जो लिक्विड का रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो चेंज हो जाएगा। हाइट कम करोगे तो रेडियस ऑफ कर्वेचर ज्यादा हो जाएगा, ओवरफ्लोइंग नहीं होगी यार ठीक है। अगर मैं इस ट्यूब को यहां से काट दूं तो ये फाउंटेन नहीं बनेगा, ये ओवरफ्लो नहीं होगा ठीक है, बट लिक्विड का कर्वेचर बदल जाएगा, रेडियस हाइट कम हो गया, रेडियस बढ़ जाएगा। एच इज प्रोपोर्शनल टू वन अपॉन आर, रेडियस कैसे बढ़ जाएगा यार ठीक है। जैसे अब लिक्विड अगर ऐसे थी तो इसका ये रेडियस ज़्यादा है, ये कर्वेचर ज़्यादा है, ऐसे थोड़ी हो जाएगी ठीक है। सॉरी ये जो रेडियस है वो कम है और ये ऐसे फ्लैट हो गई तो रेडियस बढ़ गया, और एकदम सीधी हो जाएगी तो रेडियस इन्फिनिटी हो गया। मतलब अगर आप हाइट कम किए होगे ठीक है, अब हाइट ये कम कर दिए ना तो ये जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो बढ़ गया होगा, मतलब ये हाइट h1 पर है, ये हाइट h2 पर है क्योंकि कर्वेचर में डिफरेंस है ठीक है, कर्वेचर में डिफरेंस है। एक यहाँ रेडियस कम है तो हाइट ज़्यादा होगा, h1 इज ग्रेटर देन h2, तो r2 इज लेस देन r1 ठीक है, बट ये सबका प्रोडक्ट रिमेंस कॉन्स्टेंट ठीक है, सबका प्रोडक्ट रिमेंस कॉन्स्टेंट। इसका मतलब ये हुआ फाउंटेन तो बनेगा नहीं ठीक है, तो अगर फाउंटेन नहीं बनेगा तो वाटर राइज अप टू पॉइंट लिटी लेब अप, गलत बात है, वाटर डज नॉट राइज एट ऑल, ऐसा कुछ भी नहीं है ठीक है, कि अगर आप काट दिए तो पूरा यहाँ काटने के बाद यहाँ आ जाएगा पानी, ऐसा तो होगा ही नहीं। वाटर राइज अप टू द कैपिलरी ट्यूब और ओवर फ्लोइंग होगी, अभी मैं बताया ओवर फ्लोइंग नहीं होगी, तो एक ही तो बच गया डी ठीक है।